खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आप सबके साथ हूं पुनिया, फिलहाल राजली गांव से हैं। आज एक नई चीज के साथ आपके साथ हैं। राजली के इस राजकीय विद्यालय से हम जुड़े हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है कि समरस गंगा ग्राम उत्सव ग्राम राजली, मिलजुल करके गांव ये बना रहा है। क्या बना रहा है, सीधे शब्दों में अगर कहूँ, आज राजली गांव अपने गांव का जन्मदिन मना रहा है। और जन्मदिन का आयोजन कैसे कर रहा है, किन किन चीज़ों के साथ कर रहा है, क्या क्या इवेंट है, बड़ी रोचक सी ये चीज़ें हैं। आप हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, हम आपको अब इस उत्सव में लेकर के चलेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि हरियाणा चेतना न्यूज आज आपको राजली लेके चला है, और सीधे साफ शब्दों में बात है कि गांव अपना जन्मोत्सव मना रहा है। आज गांव का बर्थडे मनाया जा रहा है, एक अलग ढंग से सारे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है, एक बड़ा चेहरा जो हरियाणवी संस्कृति को बचाने में जुटे हुए, हरियाणवी बोली को बचाने में जुटे हुए, बिंदर दनोदा जी हमारे साथ है। भाई साहब राम राम। भाई अनूप भाई के जितने भी पुनिया साहब के देखने वाले दर्शक हैं चैनल को, उनको मेरा राम राम। बिंदर भाई, बात ऐड तो कल्चर बचाने की हो रही, संस्कृति बचाने की हो रही है। हाँ जी, तो ठेठ हरियाणवी में आप चलना बात करा। यू जो ईशा आपका प्रोग्राम मुरा देखा है, आप इसे तो जुड़ी बातचीत करा, समरस ग्राम उत्सव लिखा देखा है आप तक इनती न्यून दिया राजली आया ने की कह के न्यून दिया। अनूप भाई, ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम है, जैसे यहाँ कुलदीप जी के निर्देशन में ये चीज़ें हो रही है। कुलदीप जी से पुराना परिचय है, आरएसएस में जिला प्रचारक होते थे जिंद के, मुझे पता है कुलदीप जी की सोच का, गांव के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए और देश और धर्म के जो उत्थान के लिए इनकी सोच रही है, वो सदा से ही, मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज इस प्रोग्राम में आया हूँ, मैं तो यही कहूँगा जी। मन प्रसन्न है बिंदर जी का न्यू का, आज इस प्रोग्राम में आया हूँ। आजकल जमाना ऐसा हो रहा है, या भीड़ डाटन खातर है ना, देखा जाए है कि बहुत सावगलर ऐसी चीज़ें चलती हैं। हाँ, चल रही है। इन चीज़ों के ऊपर मतलब क्या बिंदर जी, कैसे अब इन चीज़ों को थामेंगे, सारा का गाम राम आया कर डटा, गाम गुआंड डट रहे हैं के। अनूप भाई, नुए डर लागन लग जाए बटा का, जैसे आप कहो तो नहीं बारे में बोला, तो कई बार लोगों का जो श्रोता है नहीं, वो श्रोता मैं अक्सर इंटरव्यू में जिक्र करूँ, भाई मान लिया कोई अच्छी चीज़ काटा हूँ मैं, सामाजिक चीज़ काटा हाँ, धार्मिक चीज़ काटा हाँ, जागरूकता की चीज़ काटा, उसके व्यूज़ तो 75,000 एक लाख व्यूज़ है। और जो डबल मीनिंग है या जो चीज़ें बदमाशी ने प्रमोट कर रही है, मतलब नशा ने प्रमोट कर रही है, छत पर बना दे उसके भी लाखों करोड़ों व्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा यही जिक्र करता हूँ कि भाई कलाकारों से तो आप ठीक है अपेक्षा करे बैठे हो कि भाई ये संस्कृति बिगाड़ रहे हैं या संस्कृति को कैसे सुधारेंगे, भाई दर्शकों को श्रोताओं को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो अच्छी चीज़ें उनको प्रमोट नहीं करोगे तो फिर वो गलत चीज़ें आएंगी। अनूप जी बिल्कुल, बिंदर जी का कहना है कि आम जिस आम गाँव आगे सुनने वाले भी उसे बनो, अच्छा सुनेंगे तो हम अच्छा गाने वाले हैं। और बिंदर जी को हम फिलहाल स्टेज पे देखा भी गए, थोड़ी सी देर में इनकी परफॉर्मेंस आवे। भाई साहब हमारे साथ विनोद पन्यारी, विनोद जी स्टेज ऐप पे देखे थे आप, तो बड़ा अच्छा लगा, न्यू लग गया कि सरस्वती साहब विराजमान के करण लग रहे हो हरियाणवी बोली ने बचाने का तरीब आजकल। भाई मैं स्टार्टिंग से ही सांग कर रहा हूँ। अच्छा जी, और सांग पे ही मेरा फोकस रहेगा। मैं तो दादा लक्ष्मीचंद खूब प्रमोट करी है। बिल्कुल, दादा लक्ष्मीचंद अवार्ड से सम्मानित भी हूँ। 2010 में मैंने सांग भी किया था, यूनिवर्सिटी लेवल पे सांग लेकर गया था मैं, फिर वो मैन सांगे मुख्य सांगियों के बीच मेरा सांग रखा गया, वहाँ से बहुत मुझे उपलब्धि मिला, मान सम्मान मिला। और हरियाणा के भारत के गवर्नर जगन्नाथ पाड़िया जी ने लक्ष्मीचंद अवार्ड दिया था टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में, तो मुझे वो आज भी याद है। वो मान सम्मान में जो हमारे दादा लाई चीज़ है, जो हमारी संस्कृति है, मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर सवांग जिसको कहते हैं अभिनय जो मतलब है, उसके ऊपर विनोद जी काम कर रहे हैं। बिंदर जी देखिए एक लेखक भी बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे गायक, मल्टी टैलेंटेड हरियाणा के कलाकार हैं। बिंदर जी एक डायलॉग चौधरी है, जब
वो अपने समस्याएं आ जाती है जो आदमी ढंग तक काम करने लग रहा है और विरोधी दल राक्षस दल ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर दो चार भाइयों वहाँ में हमारे पर अटैक करने वाले थे, वो उनकी संख्या काफ़ी थी। और फिर मैं एक डायलॉग मारता हूँ, दादा सूरजमल के पोते हाँ आना तो कदे सीखा ही नहीं, ले लो बोल का। बहुत बढ़िया। और आइए, दोनों कलाकार दोनों ने एक अच्छी वेब सीरीज की थी जो एक बहुत अच्छा संदेश उसमें हरियाणवी युवाओं के लिए था। विनोद जी आप भी उसमें थे। बिल्कुल। और उससे आपके गीत जो एक ठीक लोक शैली में थे वो बड़े अच्छे थे। हाँ। दो बोल आपके भी हरियाणा क्षेत्र न्यूज पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक गीत आया था वो, और अक्सर आज जमाना इसी का पीछे पड़ा हुआ है। नुबल्यार बिन आई मैं मरवा दे, निर्भाग लुगाई ओ से, दुनिया के मैं मर्द जाम की अलाग लुगाई ओ से रे। या लक्ष्मी चंद जी की रागनी है। हाँ, जो और सेफ हाउस में आप दोनों ने जब काम किया था तो वो एक अच्छा संदेश सेफ हाउस में था, स्टेज ऐप पर जो है जी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और बहुत धन्यवाद आपका, घना घना धन्यवाद। उम्मीद करा हाँ कि आप जैसे कलाकार हरियाणवी बोली ने न्यूए बचाते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे जी। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद अनूप जी। कार्यक्रम के अंदर आए हम, मैंने आपको बताया था एक अनूठा उत्सव है ये, भांति भांति के कार्यक्रम है जो आपने शायद अभी तक न देखे हों। यही अलग बात है कि अपने गांव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, पूरे एक जो हरियाणवी कल्चर है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो एग्जीबिशन आपको दिखाई दे रहा है, प्रदर्शनी, ये एक जो कृषि में मशीनी युग आ गया है, उस मशीनी युग ने जो बैलों के जो जितने भी यंत्र थे वो हमसे छीन लिए हैं। अब यदा कदा ही देखने को मिलते हैं ये सारी चीज़ें जो किसानों ने संभाल के रखी है। यहाँ इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, इसको विस्तार रूप से समझाने के लिए हमारे साथ अमित जी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। ये अमित जी किससे जुड़ रहे हो या सारी चीज़ें ध्यान में आई है? मैं भारतीय किसान संघ से जुड़ा हुआ हूँ जी, लगभग 7 वर्ष से भारतीय किसान संघ से जुड़कर मेरे मन में एक जुनून सा हो रहा था भाई, अपनी जो किसानी है, अपनी जो धरोहर है पुरानी, अपने पूर्वज जो करते आए हैं खेती, उसकी हर चीज़ को संभाल के रखा जाए। पूर्वजों की चीज़ संभाल के धरो, यू उखड़ करते लिया भाई, अपना जी गाँव का सारा सामान अपने गाँव का है जी, अपने सारी जो आछे चलने वाली चक्की दिखाई है, पुनः भारत इसकी ओर लौट रहा है। आज ये ऐसी चीज़ें थी जो जिनकी बड़ी चीज़ खाने में सहूलियत थी और स्वास्थ्य तो बचाए रहा करता। भाई यो बताइए, यू जिंदरा केस होता है? ये था जी अपना, जैसे हम बुआरा करते थे, हल्की बारिश हो जाती थी, करंट हो जाता था बुआरा, उसके लिए उसको ऊपर लगाते थे बल्दों के द्वारा करंट फोड़ने के लिए जी। बल्द भी तकड़े चाह करते, छोटी बाड़ी भी जल्दी। हाँ छोटी बाड़ी भी थी। या रही है मदानी जिसने आजकल के, मैंने कहा जैसे आजकल जो रसोई में खेतों में हर जगह जो आजकल यंत्र हैं, सब कुछ आधुनिकता की इस दौड़ ने हमसे पुरानी चीज़ों को छीन लिया है। अमित जी भाई एक एक चीज़ हमने बताइए, आजकल तो यू या ये पुराने बाट है जी अपने, ये जो शेर में चलता था, वजन जो चलता था, ये वजन जैसे देसी साहब में कहते जी, दादी की तोलिया करती जिसके, दादी की तोलिया करती देसी साहब, हाँ दादी की तोलिया करती, वो है जी ये पट्टे। यो के है भाई? ये अपने रोटियां का बोइया है जी, रोटी रखते थे जी इसके अंदर, बोइया है। हाँ जी बोइया। भाई यू ये मस्तू है जी, के काम आ करता? ये अपना जैसे इसके द्वारा वो बनाया करते, मीठा कुटा करते, मीठा कुटा घर के घर वाले घर के ईख होया करता। चलो अमित जी एरो है, बड़द खाचा कर दे। बड़द जी, या तो रेस की है ना? हाँ बड़द, ये भी पुराने टाइम की जी रेस करवा करते उस समय, ठोकर है जी। आपने लिखा है, आपने लगाया हो कि किसान सारे आदान MRP पर खरीदता है तो किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये भारतीय किसान संघ की मांग है, मुख्य मांग है जी ये भारतीय किसान संघ की, लगातार मांग यही है कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए लागत के आधार पर। अभी किसान संघ ने कार्यक्रम भी किया था दिल्ली में कुछ दिन पहले। हाँ जी किया था, 19 तारीख को कार्यक्रम, 19 दिसंबर को कार्यक्रम था जी अपना जी। हाँ एक बारी थोड़ा सा और आयाना अमित जी बताना,
यू के काम का अमित जी? ये छिक्के है जी, अपने जो बड़द है, अपने बड़दों के छिक्के लगाए जाते थे, जो अपनी फसल होती थी उसको ना खाएं, नुकसान ना पहुंचाएं उसके। अच्छा अच्छा, तो बाड़ी आड़ा कर दे मतलब? हाँ, बाड़ी आड़ा यही खाड़ ना, बाड़ी आड़नी उसके लिए प्रयोग करते थे इनको। छिंके हैं जी, देखो ये चीजें आजकल विलुप्त हो रही, आने वाली पीढ़ी ने तो ये एक जो संग्रहालय बनाकर रखनी पड़ेंगी और फिर ये दिखानी पड़ेंगी, हम ऐसे ऐसे काम करते थे, यू सुहागा है। मेरी ख्याल है अमित जी, इनकी महत्वता भी इतनी थी कि कड़ियां पैर भी नहीं लागन दिया करता किसान। बिल्कुल जी, बहुत बहुत वो रखा करते जी इनको, पूरा सामान रखा करते जी इनका। या आपने और अच्छी बात करके सारी चीज लिख कर टेक रखी है। या नाड़ी है, नाड़ी दिखाइए एक बारी पहुंच जी। शाम की नाड़ी होती थी जी पहले, ये और दो बड़ जुड़िया करते, दो बड़ जुड़िया करते जी इसमें जुए में। ठीक है, या किल्ली होया करती, किल्ली ये चीज जरूर दिखाओ जी, जुआ जू में नाड़ी और किल्ली, ये चीज मैन होया करती। आजकल तो आरो की किल्ली अमित जी, जो ये भी एग्जीबिशन में ले रखे हैं बाछड़े दोनों। हाँ जी, दोनों अपने बड़े जी, ये अपने सब तो बढ़िया नस्ल है। हाँ, सबसे बढ़िया नस्ल है जी ये अपने जयवीर जी, बताओगे जी ये कौन सी नस्ल है? आइयो जयवीर जी, जयवीर जी का काम कौन सा जी? राजली है अपने बाछड़े, अपने कौन सी नस्ल है? प्योर देसी हरियाणा। तो घर के जामे है? घर के जामे अपने दोनों। आज जब ट्रैक्टरां पर जा लिया मामला, बिरानी कड़े कड़े जा लिया है, बड़ा बरगा मजा नहीं आऊगा जी, कदे भी जिंदगी में ना आया ना आवे। जड़ते गए हां, उड़ा आना पड़ेगा, आना पड़ा जी, तेल ही इतना महंगा पुगे तो कोनी जी। तू इनती एक शौकिया ले रहे हो काम ना? मैं खेती का काम जी, रोटी पूड़ी भी लियावा और दौड़ में बजावा। हां अच्छा जी, हैं बहुत बढ़िया। हां जी, और हुआ बस अरुण मदीप पे जोड़े नहीं बच्चे ही ये बालक से। हाँ, तो आज आपका भी दिल खुश हो रहा होगा, लोग देखने आवे? तो दिल खूब खुश हो रहा जी, आपे तो जुग रहा, ये भी नुए खुद है, मनसान देख के खुद है, ये शान देख के खुद है, ये दौड़ में भी नुए खुद है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सारी जो चीजें उस तरफ कहूंगा एक बार दिखाने की कोशिश करें थोड़ा उठा के, कि कहा जाता कई दंगल शौक जवानों के, कई करतब तीर कमानों के नित नित मेले लगते हैं। राजली ने आज मेला ला रखा है, देखिए अलग अलग ढंग से यहाँ खेल चल रहे हैं, महिलाओं के खेल हैं, पुरुषों के खेल हैं। और एक अनूठी चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो है जी कितने लगे हैं? 6.5 लाख लाके बादशाह के, इसके 6.5 लाख रुपए लागे कल के, वो 2 लाख का बेच दिया था हमने सरदारा दी। अच्छा, वो फिर बीमार हो गया उड़ा जाम बच्चे, वो फिर उल्टा लिया थे। तो क्या नाम है जयवीर जी, इतना महंगा जो राखना पंजाब में जी? अच्छा, पंजाब में भी हरियाणा में भी खूब लंबर उठाए इसको। मतलब यह बात है कि या एक तो अपनी जो पुरानी चीज बची रहे, फिर गलत फायदे की चीज भी है। फायदे की जी वही बस, अपन तो बेचना को नहीं जी। हाँ, अपन तो रखना हाल ले आंदा बजाने के लिए, अपन शौक पढ़ना, अपन इस पैसे ही चीज की गुंजरी, तो अपन अपना शौक से शौक के लिए ले रहे हैं। देखिए आज उस दौर में जब कह रहे हैं कि गऊ का आपको मोल रहा नहीं, आज भी जयवीर जी जैसे जो किसान है वो कह रहे हैं कि 6.5 लाख रुपए में बाछड़े के पंजाब के किसान ने लगा लिए, लेकिन मैं ना दूं उसने भाई, और दूसरा 2.25 लाख में कह ना मैंने वो बेचा है। एक एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है जो क्राफ्ट एंड जिसको बोलते हैं हाथ कर गया जो चीज़ है, सुरभि आर्ट गैलरी सार की ओर से लगाई गई है। तो देखिए एक बार थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, सारी हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं मैडम जी, सुरभि गैलरी से। हाँ जी सर। तो यहाँ राजली ने बुलाए हो या फिर आप ऐसे चले ही जाते हैं जैसा मौका मिलता है? बुलाए गए हैं सर, हम बुलाए गए हैं। तो कैसी उत्सुकता है यहाँ, विशेषतः जैसे महिलाएं माताएं खड़ी हैं इनमें? हाँ जी बहुत है सर। तो आप दिखाने के लिए है नहीं सारी चीजें? हाँ जी सर, दिखाने के लिए। देखिए आज जो कला को बढ़ावा देने वाली ये सारी चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें हैं, और सुरभि आर्ट गैलरी हिसार से इनके एक एग्जीबिशन यहाँ ये गांव ने आग्रह करके इधर बुलाया है। ये देखिए आज के दौर में जो सबसे कम हो रही चीज़ें हैं कि साहित्य जो है वो अच्छा साहित्य यहाँ गांव के लोगों ने रखा हुआ है, और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उस प्रदर्शनी में जो बैठे हैं करमवीर जी, हमारे साथ संदीप कुमार जी हैं इसी गांव से हैं संदीप भाई, ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है जी, इसका दिमाग में प्लान आया कहाँ से? जी ये काफ़ी समय से चल रहा था हमारे दिमाग में प्लान, पर समय की वो थी कब से करें कब से करें, तो अब ये सुटेबल अब कम से कम 1.5 महीना 2 महीने पहले से चल रही है प्लानिंग जी। कितनी प्रदर्शनियाँ हैं ये? अभी यहाँ पर 7% लगी हुई है जी। 7% जी। तो एक बार दिखाना हमें बताना जी। बिल्कुल, कुछ सर्दी के कारण आ नहीं पाए जी। जी हाँ जी नमस्ते। साहित्य काफी अच्छा रख रहे हो, अध्यात्म से जुड़ा है और देशभक्ति से जुड़ा है, कुछ उत्सुकता भी है क्या आज की युवा पीढ़ी में? इस राजली के गांव में जो समाज उत्सव हो रहा है, यहाँ पर
लोग साहित्य को पसंद भी कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने ऐसी पुस्तकों को, ऐसे साहित्य को पहली बार देखा है और लोगों में बड़ा उत्साह है। लोगों ने क्रांतिकारियों की पुस्तकों खरीदा भी है और उनसे वो अपनी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जी। अन्य चीज़ें भी देखिए यहाँ दिखाई दे रही हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हैं, जो संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ पूजा पाठ विधान से जुड़ी चीज़ें। अंकित जी हमारे साथ हैं, अंकित जी, प्रदीप जी, जो आगे की प्रदर्शनी एक बार हमें लेके चलें और थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएं चीज़ें हैं क्या। अंकित जी, राज, प्रदीप जी सब एक राजली की जो नौजवानों की जिम्मेदार नौजवानों की जो टीम है, आज इन्होंने एक ये मेला पूरे गांव को एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया है, हर छोटे बड़े को। जैविक गन्ने का जूस लिखा हुआ है। इस दौर में जब कोका कोला और पेप्सी पी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस दौर में आज का जो किसान है वो पूर्णतः ऑर्गेनिक गन्ना उत्पादन करके उसका जूस बना बना करके बेचता है और काफ़ी डिमांड उसकी रहती है। पवित्र जूस एजेंसी है खरक पुनिया ना। हाँ देखिए, आप इसका रंग ही देख लीजिए, मैंने इसको पहले भी पिया है, मैं बता दूँ इसका रंग ही देख लीजिए, ये बहुत अलग चीज़ है और इसको पैकिंग करके बेचा जाता है। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ अंकित जी। ये जो प्रदर्शनी है, मैं इनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अर्जुन कुमार हैं और ये पंचगव्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें यहाँ निर्मित हैं, गो आधारित जो है। अर्जुन भाई के प्रोडक्ट बेचने लगे रहता हूँ रे, और ये कड़े बनावे है तो कौन सी फैक्ट्री में ले आया? देखो जी, हम पूर्ण रूप से गो आधारित खेती करते हैं और मैं 2013 से गो आधारित खेती कर रहा हूँ। और जो पूरे भारतवर्ष में अन्य अन्य क्षेत्रों से जो लोग गो आधारित खेती करते हैं, हम उन सभी के उत्पाद यहाँ पे रखे हुए हैं जी। और मेरा अपना खुद का ऑर्गेनिक स्टोर है बरवाला शहर के अंदर, और मैंने अपने जीवन में यही सोचा कि मैं खुद तो जो तो सेंधा नमक ले रहा नहीं है, यू ऐसा दुकान ना पांदा तो कौन तेरा असली है कि कुकर है यू? देखो जी, ये जो हमारा सेंधा नमक है, ये पूर्ण जो हमारा सिंध प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, पुलवामा हमला होने के बाद ये वहाँ से डायरेक्ट आना बंद हो रहा है। पहले दुबई जाता है, उसके बाद गुजरात के अंदर आता है, फिर हमारे मैं वहाँ से खरीदता हूँ जी इसको। अच्छा, खुद तैयार करते इसको? हाँ जी, मैंने इसका जो पुलवाइजर वो अपने घर पे ही लगा रखा है जी कूटने के लिए। क्या क्या आइटम खुद अपने हाथ से तैयार कर रहे हो इसमें जी? मेरे खुद का सेंधा नमक है जी, बाजरे के बिस्किट मेरे अपने खुद के हैं जी, और अपना सरसों का तेल है जी फिलहाल। बाकी चीज़ें अन्य किसानों की है जी, पूरे भारत वर्ष से अलग अलग क्षेत्रों से जी। ठीक है, अब अन्य क्षेत्रों से प्रगतिशील किसान है उनसे लेकर के फिर आप देते हैं। ठीक है, ये आगे भी पंचगव्य पर आधारित जो एक प्रदर्शनी और है भाई। नमस्ते, पंचगव्य पर आधारित है? हाँ हाँ जी, ये सारा कहाँ तैयार करते हैं और क्या क्या तैयार करते हैं अपना? संदलाना है, गांव संदलाना बनभोरी के पास। ठीक है, तो वहाँ पर सारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं की है, अपनी खुद की है। के के प्रोडक्ट हैं? मतलब मेनली तो एक चवनप्राश है जो ऑर्गेनिक है, गाय के घी में बना हुआ, एक शहद है, नारियल तेल है, नारियल तेल भी खुद निकालते हैं वहीं कोल्लू अपना, कोल्ड प्रेस वाला। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक खांड गुड़ शक्कर ये बाहर से मंगवाते हैं, उत्तराखंड से ये बाहर से मंगाते। तो में रिस्पॉन्स आया ग्रामीणों का? हाँ ठीक है लगभग। क्या नाम भाई? विनोद है। देखिए, विनोद जी ने बताया कि संदलाना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं वहीं से, और अगली जो प्रदर्शनी में आप देखियो जमा ताऊ जी, राम राम, ताऊ ठेठ सौदा दरिया ठेठ के ले रहा ताऊ? गुड़ और शक्कर अपना हाथ की बनाई? हाँ, अपने हाथ की ऑर्गेनिक गुड़ और ऑर्गेनिक शक्कर है, जहर मुक्त ताऊ मतलब ताऊ। गाँव और मरताऊ का नाम क्या है? राजपाल गांव खरबड़ा, एक्स बीएसएफ से रिटायरमेंट हूं। अच्छा जी, और 7-8 साल से मैं जहर मुक्त खेती करता हूं, देसी गाय रखता हूं। और कितने एकड़ में करता हूं जी? मैं 8 एकड़ में करता हूं। अपनी अपनी है? हाँ। तो अपना हाथ का बढ़िया ले रहे हो सारा? हाँ, सब अपना हाथ का। खेत में कोल्लू है? हाँ, कोल्लू खेत में, और अच्छी तरह पक्का गुड़ है ये इसका। और जो केमिकल युक्त मानना पे उसने कितना भाग का फर्क रहता हूँ इसमें? वो केमिकल वाला तो कोई 30 दे, कोई 40, कोई 50 ऐसे देवे है, और ऑर्गेनिक 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक मिलता है किलो। मतलब आप तो एक अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं गुड़ के रूप में। ताऊ जी, आज कह लाला किसाना ने